हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सी जी पी एस सी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाई आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आप लोग तैयार हो फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानने के लिए? आप सभी लोग के बोलने पे ही हम लोग के द्वारा सी जी पी एस सी ए सी एफ फ्री टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानने के लिए आप सभी तैयार है? एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए तो जानते हैं क्या होगा, कैसे टेस्ट सीरीज होगा, आगे इसकी कैसे ये चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे सारे टेस्ट सीरीज। ठीक है, जितने भी संभावित मॉडल प्रश्न रहेंगे उन्हीं का ही इसमें संग्रह किया जाएगा। इसकी खास विशेषता यही रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ए सी एफ के लिए, ना कि अदर एग्जाम के लिए, जो ए सी एफ के लिए इंपॉर्टेंट हो, प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने क्वेश्चन हो उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे जो संभावित मॉडल प्रश्न हो उन्हीं को इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन आपको वो सिलेक्ट करके दिया जाएगा वो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, शुरू दिन से ही स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको पहले से ही टॉपिक बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप में एक दिन पहले आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप टॉपिक के अनुसार पढ़ के बढ़िया टेस्ट दीजिएगा। आपको रात को टॉपिक बता दिया जाएगा कि कल इस टॉपिक पे टेस्ट होना है, आप उस टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है, ए सी एफ स्पेशल क्लास क्रैश कोर्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स के सारे क्लासेस चल रहे हैं, अभी पेपर वन के क्लासेस चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को कराया जा रहा है कंटिन्यू, तो आप देख लीजिए। जो अभी तक नहीं देखे थे वो प्लेलिस्ट में जाके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा निःशुल्क है वो भी क्रैश कोर्स, तो लाइन से देखिए जाएगा। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और आगामी सारे क्लास देखिए। ठीक है, और देखिए इसमें लिमिटेड रखेंगे हम लोग, आप लोग के लिए स्पेशल है, जो 200 स्टूडेंट पहले आएंगे उनको निःशुल्क पीडीएफ भी टेस्ट सीरीज का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया जा रहा है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है, आप इसमें मैसेज कर दीजिए अपना नाम और शहर का नाम। ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा बैच में, पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मार्केट में भी टेस्ट सीरीज़ की भरमार है लेकिन कोई निःशुल्क नहीं दे रहा, पूर्णतः निःशुल्क कराया जाएगा शुरू से आखिरी तक। ठीक है, और अगर आपको ई सी एफ के संबंधित और बाकी नोट्स भी लेना है तो आप वहाँ से भी आप व्हाट्सएप में बता सकते हो, उससे भी आपको नोट्स आप ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर वन। और इसके कमेंट में आप लोग बताइए जो भी आपके सुझाव हो कि कैसे करना है, और कोई आप लोग के द्वारा कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, जरूर कमेंट करिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, और बताइएगा कमेंट में कि किस सब्जेक्ट से आपसे स्टार्ट किया जाए पहला। ठीक है, उसी सब्जेक्ट से हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट सब लोग करिएगा, कमेंट के द्वारा ही हमको पता चलता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसी अनुसार हम लोग टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ज़्यादा कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन आपको ला सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एक एक बार शेयर करीजिएगा, 10 सेकेंड दे दीजिएगा। आप लोग फ्री क्लासेस लेके आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि 10 सेकेंड दे के एक बार अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग मैसेज करोगे नंबर सेव करके तो हमको स्टेटस दिखेगा। चलिए देखते हैं आप लोग भी कितना डेडिकेटेड हैं अपने तैयारी के लिए, तो एक बार सभी स्टेटस में लगा दीजिएगा इस वीडियो को और मैसेज कर दीजिएगा पहले। ठीक है, चलिएगा तो आज के थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टेस्ट नंबर वन है आज का, आज हम लोग लेके आए हैं आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में बहुत लोग कमेंट किए थे सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, तो उसी को लेके आए हैं। अगर आप इसमें चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं दोनों कंटिन्यू चले तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री चला लेंगे। ठीक है, जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव दंत का सूत्र होता है, चार ऑप्शन है आपके, I2C2P1M3, I2C1P2M3, तीसरा है आपका I3C1P2M2। ठीक है, इंसाइजर साइजर ये सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जब क्लास चलेगा। I2C2P3M1, तो बताइए मानव के दांत का सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ई सी एफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए जल्दी इस कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अनुसार आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक
ठीक है, वीडियो अपलोडेड रहेंगी फिर भी आप कमेंट करेंगे नीचे और अपना आकलन स्वयं करेंगे कितना क्वेश्चन सही हुआ, और लास्ट में टेस्ट देने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, ईमानदारी से टेस्ट लाइएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ, चाहे नहीं पता तो भी आप कमेंट कीजिए 0 का सही हुआ, ताकि बाकी को भी कॉम्पिटिशन का पता चल पाए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए ICPM ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो देखिए सी से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 और इधर 2, तो 2 तो सब में है, I2 ठीक है, 2 रखना है सामने में और इधर 1 2 3, 1 2 3 और सामने में 2, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, I2 C1 P2 M3, सारे ट्रिक से याद कराएंगे आपको क्वेश्चन, आप अगर टॉपिक पढ़ के नहीं आओगे तो भी आपको कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आहार नाल में गति या पेशी संकुचन कहलाती है, किसको बोलते हैं आहार नाल में गति या पेशी संकुचन, 4 ऑप्शन आपको, सिस्टोल, डायस्टोज, तीसरा है पेरिस्टेसिस, चौथा है आपका मेटाक्रोनल, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आहार नाल में पेशी संकुचन क्रमानुकुंचन गति, जिसको क्रमानुकुंचन गति भी कहते हैं, पेरिस्टेसिस, ठीक, ऑप्शन नंबर सी कहलाती है, जिसे आहार नाल की गुहा में भोजन आगे बढ़ता है, इसी से ही जो हमारा भोजन जाता है, ठीक है, गुहा में जाता है, तो इसी से जाता है पेरिस्टेसिस, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, HCI हाइड्रोक्लोरिक का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं, बताइएगा कौन HCI का स्रावण करती है, जाइमोजीन कोशिकाएं, अविजेंटी कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं, 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमाशय के फणिक भाग में, फणिक भाग होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक मुख्य कोशिका और जाइमोजेनिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जिसको पेप्सिन स्रावित करती है, हम लोग जानते हैं पेप्सिन का स्रावण होता है तो वहीं से स्रावित होता है, और ऑक्सीटिंटिक या पेराइटल कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, ये HCL का स्रावण करती है, ठीक है, तो ये आएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, अधश्लेष्मा अधश्लेषिका सबसे मोटी होती है, बताइएगा अमाशय में, आंत में, ग्रसिका में, मलाशय में, जल्दी से कमेंट कर बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी ग्रसिका में, याद रखेंगे किसमें मोटी होती है सबसे ज्यादा, ग्रसिका में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, महाराज का अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, चलिए जल्दी से बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, 4 ऑप्शन है आपका, ग्रसिका में, अमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में, बताइए कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन, जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थान ही अमाशय होता है, याद रखेंगे, या पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, कौन पाचन करता है, तो पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन याद रखेंगे, पेप्सिन ये पाचन का मुख्य भूमिका निभाता है, एंजाइम है, पाचन एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएज में बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, सारे क्वेश्चन एकदम ब्रांडेड रहेंगे, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप में, ठीक है, जल्दी से क्लास के बाद आप लोग तुरंत मैसेज करके ऐड हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल का अधिकतम अवशोषण होता है, बताइए जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है, अमाशय में, ग्रसिका में, छोटी आंत में, वृद्धांग में, या बड़ी आंत बोलते हैं जिसको, तो बताइए जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बड़ी आंत में, जल का मुख्यतः कोलोन, कोलोन बोलते हैं कोलोन, ठीक है, कोलोन में अवशोषित किया जाता है, कोलोन बड़ी आंत का भाग होता है, ठीक है, तो कोलन में जल का अवशोषण होता है, कोलन किस में पाया जाता है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है, याद रखेंगे,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है, बताइए कौन सी तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है। ऑक्यूलो मोटर, ट्राइजेमिनल, एब्डूसेंस, वेगस। चलिए जल्दी इसका मेन क्या बता दीजिए, सारे नए क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, संभावित रहेंगे। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेगस। याद रखेंगे वेगस तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सतह में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, जल्दी से बताइए किस सतह में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। ब्रूनर अमाशय की, सब म्यूकोसा, इलियम की म्यूकोसा, ड्यूओडीनम अमाशय की, सब म्यूकोसा, कृषिका की म्यूकोसा। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा है, किसमें पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथियां। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूओडीनम अमाशय की, सब म्यूकोसा, ठीक है। तो ये रहे हमारे बायो के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा नेक्स्ट। टिड्डे के पाचन तंत्र में पाचक रस का स्त्रावण होता है, बताइए किससे होता है। मालपीजियन, क्रोप, हेपेटिकलिका, गिजर्ड। चार ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन में से बताइए किससे टिड्डे के पाचन तंत्र में पाचक रस का स्त्रावण होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटिकलिका, हेपेटिकलिका, ठीक है। अगर आपको इसको लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस भी आपको दे सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, अगर लाइव टेस्ट सीरीज देना होगा तो, ठीक है, लाइव क्लास के माध्यम से इसको कर सकते हैं आप। नीचे लाइव चैट में आप आंसर देते जाइएगा, या फिर अपलोडेड क्लास बोलोगे समय के अनुसार आपको, तो अपलोडेड भी मिल जाएगा, जैसा आप सुझाव दीजिए कमेंट कीजिए। टिड्डे के पंचतंत्र मध्य भाग में अवस्थित ग्रंथियों के समूह को क्या कहते हैं, मालपीजियम, एपेटिक्सिका, हेपेटिकलिका, क्रोप। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, हेपेटिकलिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलेगा बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य है क्योंकि इसका अणु भार उच्च होता है, यह सहसंयोजी यौगिक है, इसका अधिक वियोजन नहीं होता, या इसका आयनन कम होता है, या बहुत अस्थायी है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यह दुर्बल विद्युत अम्ल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है क्योंकि इसका आयनन बहुत कम होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसका आयनन बहुत कम होता है, एसिटिक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन विद्युत अनअपघट्य है, क्या पूछा, याद रखेंगे अनअपघट्य पूछा है, NaCl, CaCl2, C12, H22, O11, CH3, COOH, बताइएगा कौन विद्युत अनअपघट्य है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये किसका फार्मूला है, C12H22O11, ये आपका शक्कर का फार्मूला है, शक्कर, ठीक है, जो क्या होता है विद्युत अनअपघट्य होता है, ठीक है, विद्युत अनअपघट्य, तो याद रखेंगे, ठीक है, C12H22O11, 12 22 11, 12 22 11, ठीक है, 11 12 22, ठीक, जैसे भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का हमारा, आयनन निर्भर करता है, जल्दी से बताइए दाब पर, तन्यता पर, आयतन पर, या इनमें से किसी पे नहीं, आयनन किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताइए कमेंट कीजिए, अब काउंट करते जाइए कितना सही हूँ आपका, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आयनन निर्भर करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तन्यता पर, याद रखेंगे आयनन निर्भर करता है तन्यता पर, जब तन्यता बढ़ाते हैं तो आयनन भी बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा आपको ऐसे और बाकी क्वेश्चन भी कराएंगे, जब आयनन बढ़ेगा तो तन्यता, जब तन्यता बढ़ेगा तो आयनन बढ़ेगा, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है, या कम आयनीकृत होता है, या किसी धातु का ऑक्साइड नहीं है, इसका घनत्व तो कम है, बताइए क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, यह कम आयनीकृत होता है, ठीक है, ये दुर्लभ विद्युत अपघट्य है, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसीलिए कम आयनित होता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं जो दुर्बल होगा वो कम आयनित होगा, ठीक है, तो आप ऐसे आंसर बता सकते हो अमोनिया हाइड्रोक्साइड दुर्बल ऑक्साइड है तो आप कम आयनीकृत होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NH4OH का विघटन निम्न में से किसमें न्यूनतम हो जाएगा, बताइएगा NH4OH का विघटन निम्न में से किसमें न्यूनतम हो जाएगा, क्या चीज डालेंगे तो उसका विघटन न्यूनतम हो जाएगा। चलिए चार ऑप्शन है, NOH, H2O, NH4Cl, NaCl, बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्या होगा इसका आंसर, हम लोग जब NH4Cl में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl विलयन में जब NH4OH का मिलाते हैं, ठीक है, तब NH4OH का आयनन सम आयनन प्रभाव के कारण घटता है। कौन सा प्रभाव, ये भी याद रखेंगे, सम आयनन प्रभाव के कारण इसका विघटन घटने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, बताइएगा, प्रबल पूछा, क्या पूछा है, प्रबल विद्युत अपघट्य, यूरिया, शर्करा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसिटेट, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, सोडियम एसिटेट, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है याद कर लीजिए, सोडियम एसिटेट, ठीक है, बाकी सब दुर्बल है, पढ़ ही चुके हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड दुर्बल पढ़ चुके हैं, यूरिया, सरगरा, इसको भी याद कर लीजिए साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक आयनी कारक विलायक में होता है, बताइए एक आयनी कारक विलायक में क्या होता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान कम होता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान अधिक होता है, परावैद्युत स्थिरांक एक होता है, उच्च द्रवणक होता है, बताइएगा एक आयनी कारक विलायक में क्या होता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विलायक का परावैद्युतांक जितना अधिक होता है उसकी आयनन शक्ति उतनी अधिक होती है, याद रखेंगे जितना परावैद्युत का स्थिरांक अधिक होगा उसकी आयनन शक्ति भी उतनी अधिक होगी, ठीक है, तो आयनी कारक पूछा था तो जिसका मान जितना अधिक होगा आयनी कारक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आज का अंतिम क्वेश्चन, ठोस विद्युत अपघट्य में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर होगा, ध्रुवीकरण, आयनीकरण, संगुणन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, बताइए जब ठोस विद्युत अपघट्य में ध्रुवीय विलायक मिलाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, आयनीकरण, ठीक है, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय आयनन आकर्षण के कारण प्रबल विद्युत अपघट्य को आयनित होने देते हैं, ठीक है, तो आयनीकरण होगा जब ध्रुवीय विलायक मिला देते हैं। तो ये रहा आज का हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन बच चुका है, इसको भी कर लेते हैं। निम्न में से किसका एक मोल विलयन विद्युत का अच्छा चालक है, बताइए कौन से विद्युत का अच्छा चालक है, इसमें बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है विद्युत का अच्छा चालक है। तो ये रहा आज के हमारे क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और क्या क्या सुझाव चाहिए, कैसे क्लासेस आपको कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, सारे आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप में भी आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है इसी में मैसेज करिएगा जल्दी से और बैच में ऐड हो जाइए, लिमिटेड सीट रहते हैं बैच में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, और बताइएगा कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सब अपने स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिएगा नंबर में मैसेज करने के बाद, ताकि हमको भी दिखे कि आप लोग शेयर किए हो, ठीक है, और लाइक कर दीजिए सभी सभी एक बार, ठीक है, कैसा है आप लोग को और कैसे चाहिए बताइएगा, जो भी आपके सुझाव हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।